आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बिना रिफाइनरी परिसर में आगमन पर वहां उपस्थित लोगों ने पूरे उत्साह के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन किया। मस्तक पर सूर्य का तेज लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी लोगों के बीच इस अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के विकास के प्रति हमारे अटूट दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। आज का ये दिन मध्य प्रदेश के लिए एक उज्जवल एवं समृद्ध भविष्य की ओर यात्रा का आरंभ प्रतीक है और इस समृद्ध यात्रा में हमारे पथ प्रदर्शक भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हर व्यक्ति को स्वावलंबन के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आत्मनिर्भरता हमारे देश को हमेशा प्रगति की राह पर अग्रसर करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 की अद्भुत सफलता देश के ललाट का विजय तिलक बनी है, जिसके तहत अनेकों भव्य सफलता के साथ साथ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का सृजन भी हुआ है। हम कह सकते हैं कि बीना नदी के नाम पर ये क्षेत्र बीना, जहां वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसका मान सर्वोपरि है, आज हम सभी लोगों की आंखों में चमकता हुआ दिख रहा है और उस चमक को पूरी तरह से प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी। और आज आप मध्य प्रदेश की इस भूमि को प्रणाम करते हुए स्वयं हमारे बीच उपस्थित हैं, ताकि मध्य प्रदेश की इस धरती को लगभग 51,000 करोड़ के निवेश के उपहार दिए जा सके। 49,000 करोड़ के निवेश से BPCL बीना रिफाइनरी के परिसर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास होगा एवं 1800 करोड़ की 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं का भी शिलान्यास होगा। और ये शिलान्यास स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ कर कमलों द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बीना रिफाइनरी परिसर में 50,000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और 1800 करोड़ की विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। प्रथम मैं अनुरोध करना चाहूंगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें, आज के कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करें। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम इस स्वागत को सत्कार देंगे। साथ ही ये सांची स्तूप हम आपको भेंट करना चाहेंगे आज के दिन की स्मृति को चिरस्थायी रूप में अंकित करने हेतु। सांची स्तूप की ये लघु संरचना आपको भेंट की जाती है। सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश के इतिहास की दृढ़ता का परिचायक है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद महोदय। दोस्तों, कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उसके लिए परिश्रम बहुत जरूरी है, तो इसीलिए इस बात को